भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न कर। भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच खतरे में कनाडा के पीएम की कुर्सी। देखिए कनाडा के पीएम ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा बढ़ा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में वो कहीं ना कहीं घिर गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। पार्टी के अंदर से ट्रूडो के खिलाफ आवाज उठी है, सांसदों ने पार्टी प्रमुख पद छोड़ने के लिए कहा गया और कहा यह जा रहा है कि 28 अक्टूबर तक पार्टी प्रमुख पद छोड़ने का समय दिया गया। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर आना, वरना चौथे टर्म की कोशिश मत करना, वरना आपको कुछ अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड ही एंड वर्ल्ड कैन सी इट, वो दुनिया को दिखा रहे हैं। पर कनाडा की अगर बात की जाए तो उसने एक जो ब्लेम गेम खेली, एक इल्जामात की जो वचाड की भारत के ऊपर, भारत ने उसका तोड़ जरूर किया, लेकिन अब बारी जो है दोबारा से भारत की। जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, डोंट वरी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तो तुम्हारा बाप है ना जस्टिन ट्रूडो, ये कब तक रहेगा कुर्सी पर? जो तुम्हारा नाजायज बाप है जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, एक्चुअली कैनेडियन टेररिस्ट। कनाडा इज गॉन, इट्स लॉस्ट। को वड्डा पाकिस्तान बोलता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के काफी वेरिएंट्स हैं, एक है पाकिस्तान, एक है वड्डा पाकिस्तान। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर आना, वरना चौथे टर्म की कोशिश मत करना, वरना आपको कुछ अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भारी होंगे कि आप जिंदगी में इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या इंडिया से पंगा लेना पड़ा भारी? क्या इंडिया के ऊपर ऐसे हमले करना जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं था उसके हाथ में, इसकी दिक्कतें बढ़ने लगी, इसी की वजह से दिक्कतें बढ़ने लगी ट्रूडो की? हाँ, इंडियन लॉबी और इंडियन डायस्पोरा वहां पे है और खालिस्तानी डायस्पोरा से तो बढ़ाइए। ये कहना कि वहां पे जितने भी सिख रहते हैं कनाडा में सारे के सारे खालिस्तानी, नो। अब उनके एमपी तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि ये खुद तो डूबेगा, ये जो पंगा ले लिया इसने इंडिया से और चाइना से भी, तो खुद तो डूबेगा, ये पार्टी में ना डुबा दे कि ये हमारी पूरी शख्सियत ही मिट्टी में ना मिला दे। तो उन्होंने बोला भाई साहब ये आपके पास 28 तारीख का टाइम है तो आप देख लो, क्योंकि इनके इंडियन जो अपना इनका अपना कॉकस है उसी में लोग अगेंस्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप तो अपना इंतजाम कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब जो ट्रूडो की गलतियां थी उसका घड़ा अब भर चुका है, क्योंकि आपने अब देखिए, मैं अगर कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं कैनेडियन सिटीजन हूं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने दो जो चीजें की हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर आजकल के जमाने में इंडिया और चाइना से रिलेशन खराब कर देगा तो वो क्या करेगा? क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ये आपकी मार्केट भी है और ये आपके आपके सोर्स ऑफ इंटेल यू नो एजुकेटेड पीपल भी हैं अच्छे। इंडियंस आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेंट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप देखो कि जो इंडिया से लोग जाते हैं, मैं इतने साल अमेरिका में रहा कि इंडियन इमिग्रेंट अगर इलीगली भी गया तो वो 15 दिन में लैंड करने के बाद सोसाइटी को प्रोडक्टिव हो जाता है। वो ना जाके कहता है कि जी मेरा यहाँ पे मेरे धर्म का कानून लाओ या मैं अपना ये करूंगा, वो चुपचाप से अपना काम करता है, भले शुरू में पेट्रोल पंप पे इलीगल काम कर ले या घर पेंट कर ले या अखबार। उसके बाद आप देख लिया कि हम कितनी बड़ी लॉबी हो चुके हैं, वो सिलिकॉन वैली हो या कांग्रेसमैन हो या बिजनेसमैन हो या टेक्नोक्रेट्स हो। तो अब इंडिया इंडियंस जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबी है और ट्रूडो को ये नहीं समझ आ रहा था और उस चक्कर में उसने इंडिया और चाइना से अपनी कंट्री के रिलेशन खराब कर दिए। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह की उस इंसान की सोच है। तो कनाडा के जो रूलिंग लिबरल पार्टी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दीजिए वरना कार्रवाई होगी। ट्रूडो दोस्तों दरअसल अपने लिबरल एमपी से क्लोज डोर मीटिंग में मिले भी थे। वेडनेसडे की ये बात है, 20 लॉ मेकर्स ने उस क्लोज डोर मीटिंग में साफ साफ ट्रूडो को कह दिया कि आप इस्तीफा दीजिए, कहा कि वापस आपके लीडरशिप में यदि हम चुनाव में गए
तो हम भी बुरे तरीके से हारेंगे, कारण सरल है, उसके पीछे इस हार के पीछे कारण आप होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो 20 लॉ मेकर्स ने ट्रूडो के खिलाफ कू किया है, इनमें से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि ट्रूडो ने अपने खास लोगों को ही कैबिनेट में बैठा के रखा है। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा रिपोर्ट गार्डियन ने दिया है। यहाँ पे आपको और एक बात बताना चाहूंगा, सीबीसी न्यूज ने भी कुछ कहा है। उसका कहना है कि 153 लॉ मेकर्स जो ट्रूडो के साथ हैं, उनमें से 24 ने एक लेटर साइन किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रूडो चौथे टर्म के लिए खड़े ना हो और अभी वो क्विट कर दें एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि देखिए, आज तक कनाडा के इतिहास में 100 साल में कोई भी फोर्थ टर्म नहीं जीता है। और यहाँ पे कुछ लोगों का गुस्सा भी फूटा ट्रूडो के प्रति। केन मैकडोनल्ड जो कि न्यूफाउंडलैंड से लिबरल एमपी हैं, उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब ट्रूडो हम लोगों को सुने, आम जनमानस को सुने, उनके मन में क्या है वो भी समझ जाएंगे कि ट्रूडो का इस्तीफा इस वक्त कनाडा के लोग चाहते हैं। इतनी ही बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ कि लिबरल पार्टी सोच रही है कि जैसे बाइडेन को हटा के कमला हैरिस को आगे लाके कुछ वोट पाने के चांसेस बढ़े यूएस में, कुछ वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ट्रूडो को हटा के एक नया फेस लाएंगे तो कहीं ना कहीं वापस से इनके जीतने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात सरल है, जितने भी लिबरल एमपीज हैं वो कह रहे हैं कि अब ट्रूडो को रिजाइन करना होगा। वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे मॉन्ट्रियल हम हार गए अभी रिसेंटली, बेसिकली कनाडा में स्पेशल चुनाव हुए दो डिस्ट्रिक्ट में, मॉन्ट्रियल में टोरंटो में, दोनों के दोनों ही ट्रूडो के लिबरल पार्टी के सेफ सीट्स माने जाते थे, वो दोनों हारे हैं। वो कह रहे हैं सेफ सीट्स में हमारी ये हालत हुई है, जनरल चुनाव जब होगा तो सोच लीजिए क्या होने वाला है, ये तभी सेंटिमेंट कम होगा हमारे खिलाफ लोगों का जब ट्रूडो इस्तीफा देंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का जो अप्रूवल है वो 30% के करीब है, 30% उनके खिलाफ 65% लोग हैं और बाकी के करीबन 5% लोग अभी नॉट श्योर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस देश में प्रधानमंत्री की रेटिंग इतनी कम हो तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ तो आवाज उठेगी, और इसीलिए ट्रूडो ने इंडिया कार्ड खेला ताकि लोगों को अपने खिलाफ वो जमा कर सकें। पर दोस्तों कैनेडियन पीपल अब फेड अप हो चुके हैं, ट्रूडो को लगा कि इंडिया को एज अ दुश्मन दिखाएंगे तो कैनेडियन लोग उनके साथ आ जाएंगे और ट्रूडो को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ट्रूडो कैनेडियंस को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक टेररिस्ट निज्जर के किलिंग में इंडिया का लिंक है, वो ही पार्ट कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये, अगर है भी तो आम कैनेडियन को फर्क नहीं पड़ रहा। वर्मा ने बड़ा टफ टाइम दी है सहाफी को और उनको, वो कह रहे हैं एक तो आपने एविडेंस नहीं दी, जब आप एविडेंस नहीं देंगे, और क्योंकि क्योंकि ट्रूडो इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन में मान गया अगले दिन कि जब आपने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए तो हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं थी। वो भाई दरअसल ये है कि ट्रूडो मेरा ख्याल जिन चीज़ों में ये आए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हाट ही इज़ डूइंग। इंडियंस के साथ आपको डील करना है, यू हैव टू हैव अ बिग माउथ, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उनके पास एक बड़े पैमाने पर मीडिया है, उनके पास एक बड़े पैमाने पर जो है ना एक ऐसी मशीन्स हैं जिसके जरिए वो मीडिया मशीन्स हैं जिसके जरिए वो अपना नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ लाइक द इंडियन मीडिया का एक एक बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंस है, जैसे अमेरिकन्स है, अमेरिकन्स कम विद द इन्फ्लुएंस विद द पावर, तो इंडिया उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता उनको। शुरू में हिस्ट्री है ना, आप अभी भी देख लें दोनों मुल्क एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन कनाडा इज डूइंग इट पॉलिटिकली, अमेरिका इज डूइंग इट लीगली। संजय वर्मा ने पूरा इल्जाम लगा दिया और ने कहा कुछ जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनको वो एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट दोनों कहते हैं, वो कहते हैं वो एसेट्स हैं कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के। ये सीधा सीधा इल्जाम है, सीधा सीधा। वो कह रहे हैं कि अब इससे बढ़ के और इंडियन हाई कमिश्नर जो है, मेरा ख्याल है वो इसको अंग्रेजी में एक लफ्ज होगा द पार्टिंग शॉट, ठीक है, निकलते निकलते जो उसने शॉट मारी है उसने कहा कि आप इंडियन जो कनेडियन इंटेलिजेंस है वो हमें कमजोर कर रही है, हमें हमें जानबूझ के हमारे साथ ये चीजें की जा रही हैं। बेसिकली एक सेक्शन इंडिया का ये समझता है कि इंडिया वो इज राइजिंग,
एंड दे आर फाइंडिंग वेज के हाउ टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर इंडिया कैन लूज इट्स कॉन्फिडेंस. सो दिस इज अ वन वे टू स्टॉप इंडिया टू लूज इट्स कॉन्फिडेंस. इंडिया के कॉन्फिडेंस पे हमला किया जा रहा है, ये एक चीज है, ठीक है. इंडिया के कॉन्फिडेंस पे हमला किया जा रहा है, ये वो समझते हैं कि ये हमें सही जो है वो मुश्किल में डाला. और ये बात तो सही है. देखिए ना, मैंने आपको बताया कि एक तरफ है कि आप तरक्की कर रहे हैं, बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे, एक तरफ है कि आप रुक गए हैं, अब आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है, अब आप इल्जाम लगा रहे हैं कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी. भारत इज ऑलवेज बीन सिंसियर विद एनी फॉरेन पॉलिसी. हम लोग जो बोलते हैं वी आर स्टैंडिंग बाय इट. एटलीस्ट इन द पास्ट 8-10 ईयर्स यू बीन स्टैंडिंग बाय व्हाट यू सेड. आपने कभी उनके साथ गेम नहीं खेला, आपने कभी कोई ऐसा टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं करी. रशिया आपके साथ 70s-80s में गेम खेलता था, जब से सोवियत यूनियन तोड़ के रशिया बना उसने गेम खेलने बंद कर दिए, क्योंकि ही नोज यार ये. फिर उसने 2008-09 में करने की कोशिश करी थी जब पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर भेज दिए थे. लेकिन उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे सर? आपने न्यूक्लियर डील साइन करी थी अमेरिकन के साथ. यू डिडंट टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड से यार लिसन दिस इज नॉट अगेंस्ट यू, डोंट वरी, आई एम, वी आर स्टिल देयर. आपकी अभी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप वहां से न्यूक्लियर डील भी साइन करते हो, आप वहां से ये भी ले रहे हो वो भी ले रहे हो, दे डोंट से एनीथिंग. वो कुछ नहीं बोलते आपको, वो बोलते साहब हमारा भी ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है. सो इफ यू बीन सिंसियर विद द अमेरिकन्स एंड दे कीप प्लेइंग गेम्स, कभी इंजन में गेम खेलेंगे कभी, तो ठीक है फिर खेलिए, कभी जो है वो कनाडा के साथ गेम खिलवाएंगे, कभी बांग्लादेश करेंगे. सर मार्क टू के अंदर आप कोई भी इंजन फिट कर लो, अभी उसका जो इंजन कोवल बनाया है लोगों ने, ऐसा बनाया है कि देखिए पहले क्या किया है लोगों ने, इन लोगों ने 404 दे दिया आपको मार्क वन के लिए, आपने उसके हिसाब से पीछे की बॉडी शेप कर दी उसकी, अब फिट होना है सर अंदर, अब वो इंजन नहीं दे रहे. अब मार्क वन को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि यार यू इंटायर प्रोडक्शन लाइन विल हैव टू चेंज, विल टेक अनदर 35 इयर्स. मार्क टू में आपने क्या करा है सर? एडजस्टेबल. तो साफरान का इंजन थोड़ा पतला है, रशियंस का इंजन थोड़ा मोटा है, तो अभी एडजस्टेबल है, कोई भी घुसा लो. तो कोवल ऐसा डिजाइन हुआ है कि इट कैन टेक ऑल थ्री इंजन्स. तो आप भी हेज करोगे अपनी बेट्स को. एंड ये चीज इनको नहीं समझ में आ रही कि इफ टुडे इंडिया बिकम्स एंटागनिस्टिक, विच इज नाउ वेरी क्लोज, अभी भी आप अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहोगे यूएस के साथ, एंड कल को ट्रंप आता है, वी डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट टू ऑल दिस. ये जो बेवकूफी है नुनु पुनु चुनु की एंड ऑल दैट, ये क्या है? बिकॉज ही विल कीप इट ऑन द साइड, भाग्य से मेरे को नहीं मिलना इन लोगों से. ही इज लाइक दैट, वी नो इट, ही इज अ प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन. वो आपके साथ लड़ेगा किसमें? इलीगल माइग्रेशन, सारे वापस भेजेगा आपको. वो आपके साथ लड़ेगा टैरिफ्स में. और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से. और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है. लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त, कहते ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने, इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की. मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड ही एंड वर्ल्ड कैन सी इट. वो दुनिया को दिखा रहे हैं. 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के. ये उसका जवाब आ गया, उसका जवाब आ चुका. इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन. आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है. इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं इसका, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया, भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना. तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग है, नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान कर रहा है. मैं अल्टीमेटली, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं. मैंने आपकी तरमीम आई है जिसको जिस पे पाकिस्तान रुक चुका था. तालीम के बगैर कहां जाएंगे फिर? क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर मार, आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं.
45,000 लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए और दुनिया हंस रही है। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना, मुर्शिद मौलवी दम करा लो, काट करा लो। वो जिन क्यों नहीं भेजते हो यार, उनको दो चार जिन भेजो गाजा, कोई दो चार जिन लबरान भेजो, जिन जो जिनों पे जो बिलीव करते हो तो भेजो उनको। चलो चीमा साहब, ये मेरे ख्याल में लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि SEO भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त ये सारी चीजें तीन कंट्री इनके बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग दे मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा।